धैर्य और ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा सफलता की ओर लेकर जाती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे बुद्ध से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और ये राजयोग कैसे आपके जीवन में शुभता को बढ़ाते हैं, सफलता दिलाते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे बुध ग्रह से जो राजयोग बनते हैं वो कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके पहले पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि बुध ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है, क्या ये रोल अदा करता है। देखिए, आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में या बुध के राजयोगों के बारे में, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बुध की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बुध को ग्रहों में युवराज कहते हैं, मंत्री कहते हैं और सलाहकार कहते हैं। वैसे तो ओवरऑल बुध को युवराज कहा जाता है, लेकिन ये भी अच्छी सलाह देता है, अच्छी मंत्रणा करता है। बुध जो है ये बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध का मतलब बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रह। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध किसी भी व्यक्ति को बुद्धि की और वाणी की शक्ति देता है। आपकी बुद्धि और आपकी वाणी बेहतर हो, इसकी ताकत बुध से आती है। बुध किसी भी व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यानी बुध की भूमिका जब बेहतर होती है तो आदमी जीवन में सही निर्णय ले पाता है। बुध अगर कुंडली में राजयोग देता है या शुभ फल देता है तो कम उम्र में ही ज्यादा बड़ी सफलता मिल जाती है। आम तौर पर उम्र के 12-14 वर्ष के बाद सफलता मिलने की संभावना काफी होती है और कम उम्र में व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। बुध का मतलब कि अगर वो कुंडली में शुभ फल दे रहा है या उसके राजयोग कुंडली में हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जीवन में बड़ी ऊंचाइयां पा सकेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।